बैक इन माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है मॉम ब्यूटी टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी। आज की रेमेडी हमारे बालों के लिए है। गर्मियों में हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा डल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाते हैं, उनमें शाइन भी नहीं रहती है और हमारी जो स्कैल्प है वो भी स्मेली रहती है, वहाँ इतना पसीना आता है जिस वजह से हमारे बाल ग्रोथ ही नहीं कर पाते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। इस पैक को बनाने के लिए हमें चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मैं हमेशा साबुत मुल्तानी मिट्टी लेती हूँ और फिर उसे मैं 4 घंटे पानी में डिप करके छोड़ देती हूँ, जिससे जो मुल्तानी मिट्टी है वो फूल जाती है। अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी ले सकते हैं। अब मैंने मुल्तानी का पेस्ट बना लिया है और अब इसके अंदर हमें डालना है दही। और यहाँ मैं 1/2 कटोरी दही डालूँगी और फिर हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमें डालना है शहद। यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच शहद डालूँगी। अब हम इसे भी मिक्स कर लेते हैं और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। यहाँ हमें 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालना है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप नारियल का तेल भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं और बस हमारा मैजिकल हेयर पैक बनके रेडी है। अब इसे हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हमें अपने बालों को डिटेंगल करना है। जब भी हम कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं तो हमें अपने बालों को सुलझा लेना चाहिए। अब बालों का पार्टीशन करते हैं और फिर हमें पैक को अप्लाई करना है। आप इसे मेहंदी की तरह भी लगा सकते हैं। इसके अंदर मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली है। मुल्तानी मिट्टी एक क्लींजर का काम करता है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करता है। इसके अंदर एलुमिना सिलिका होता है जो हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। इसके अंदर दही है। दही में B5 और विटामिन डी होता है जो हमारे बालों को नरिश करता है। दही में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमारे स्कैल्प में जो इचिनेस होती है उसे भी कम करता है। शहद हमारे बालों को मॉइस्चराइज करता है, जो बालों की कंडीशन होती है उसे इम्प्रूव करता है, साथ ही हमारे स्कैल्प में जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उसे भी कम करता है। ये पैक हमें रूट से लेके टिप तक ऑल ओवर लगाना है। हमें कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। इसके अंदर मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। जो ऑलिव ऑयल होता है वो हमारी बालों की फ्रिजीनेस को कम करता है, साथ ही इसे बहुत मैनेजेबल बनाता है। गाइस, मैंने पैक लगा लिया है और मैंने हर तरफ पैक को लगाया है। आपको भी ऐसे ही लगाना है और अपने बालों को टाई कर लेना है। हमें इसे 1 आवर ऐसे ही छोड़ना है और 1 घंटे बाद हम इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे। हमें इसके बाद शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जो मुल्तानी मिट्टी है वो वैसे ही क्लींजर का काम करती है। अब हम सर को शावर कैप से कवर कर लेते हैं। अगर आपके पास शावर कैप ना हो तो आप सब्जी की नॉर्मल वाली पॉलिथीन होती है उससे भी कवर कर सकते हैं। कवर करने से हमारी जो स्कैल्प है वो हीट अप होती है और जिससे इसके जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाते हैं। गाइस, मैंने 1 घंटे बाद अपना सर धो लिया था और मेरे बाल अब ड्राई भी हो चुके हैं। अब आप मेरे बालों की कंडीशन को देख सकते हैं, पहले से कितने ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी लग रहे हैं। आप खुद नोटिस कर सकते हैं पहले मेरे बाल कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। इसे आपको हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना है, तभी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रेमेडी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।